अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज़ मी नाज़िश जहांगीर खान, वेलकम टू माई YouTube चैनल। आई नो काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है, तो मैंने सोचा कि आज हम कुछ मज़े मज़े की बातें करते हैं। उन बातों में से आज मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ कि जो बचपन से पाँच रोल्स मैं करना चाहती थी वो आज मैं शेयर करूँगी। आज मेरी कोई और साइड देखेंगे आप लोग। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। बट उससे पहले आपको क्या करना है, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, प्रेस दी बेल आइकॉन, लाइक शेयर एंड कमेंट। बचपन से तो नहीं, लेकिन जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो एक एक्टर थे हमारे, करेक्टर थे वो पूरे के पूरा, बड़े लेजेंड हमारे एक्टर थे सुल्तान राही। उनकी एक चीज़ मुझे बहुत फैसिनेट करती थी कि उनके आसपास जितनी भी एक्ट्रेस हों वो उनको मुंह नहीं लगाते थे, अपने गंडासा और अपनी धुन में बस मगन रहते थे। तो तब से मेरा बड़ा दिल करता था कि मैं कोई ना एक ऐसा दबंग टाइप एक रोल करूं कि बस एक हीरोइन है, गंडासा पकड़ के वो खड़ी हुई है और जो भी कैरेक्टर्स कर रहे हैं उसके आसपास उसे कुछ पता नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका और फिर मैं थोड़ी सी और बड़ी हो गई। दूसरा रोल आता है जो कि अक्सर हम अपने दिसंबर की हेलोवीन पार्टीज पे भी किया करते थे, वो था जी जैक स्पैरो का। एक्चुअली मैंने वो सिर्फ अपना शौक पूरा करने के लिए वो करेक्टर किया भी, तो मैंने सोचा कि जैक स्पैरो बन जाते हैं। जैक स्पैरो की सबसे फैसिनेटिंग चीज़ क्या थी, उनके बाल, वो हैट, और सबसे मज़े की जो कि मैंने असल में एक कमरे की हद तक ट्राई भी किया था, वो जो आँख के अंदर ब्लैक ब्लैक कुछ लगा होता था ना, काजल लाइनर, आई डोंट नो, वो बहुत फैसिनेट करता था। लेकिन फिर मैं नाज़िश नहीं बन सकी, इट्स ओके। तीसरा रोल क्या था जो कि अगर कोई मुझसे इंटरव्यू में पूछता है कि आपको सुपर पावर में से अगर कोई पावर चाहिए हो, तो मैं कहती हूँ मुझे वो दिमाग वाला मास्क ला दे कोई, मेरी ज़िंदगी हसीन हो जाएगी। मुझे वो इतना अच्छा लगता था, वो जो पूरा ट्विस्ट हो के सारे करेक्टर कर लेना, वो एनर्जी। और मैं आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ द मास्क, मैं अभी तक देखती हूँ वो। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हो सका, वो कहाँ थे, मैं कहाँ हूँ। चलते हैं जी अपने चौथे करेक्टर पे। मैं डॉल्स की इतनी कोई फ़ैन नहीं थी, लेकिन अगर मैं फ़ैन थी तो मैं थी मिकी माउस के। मतलब मेरे कमरे में और मेरा स्कूल बैग भी मिकी माउस का होता था, जिसपे मुझे सारे छेड़ा करते थे कि बारबी के बजाय आप मिकी माउस क्यों रखती हैं, जस्ट आई लाइक मिकी माउस, यस। लेकिन फिर मैं बड़ी हो गई, फिर मिकी माउस भी बड़े हो गए होंगे, फिर वो कहीं और चले गए, मैं कहीं और चली गई और नहीं बन सकी मिकी माउस। अब चलते हैं जी अपने पांचवें करेक्टर पे, वो है जी वंडर वूमन। वंडर वूमन मुझे हमेशा से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग, और जो वो खातून है ना वो बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। वंडर वूमन का करेक्टर पसंद क्यों था, एजलेस, टाइमलेस, ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, झूठ सच की तमीज़, अपनी जंग को खुद लड़ना, जो कि मुझे लगता है कि आजकल की हमारी जितनी भी खवातीन हैं, अगर वो फजूल किस्म के नारे लगाने से सिर्फ इतना सोच लें कि हाउ टू स्टे स्ट्रॉन्ग, वो अपने आप में वंडर वूमन है। ये रोल शायद हमारी इंडस्ट्री में कोई इतना अच्छा लिख सके या तो फिल्म इंडस्ट्री में लिख सके, तो मेरी ख्वाहिश अभी भी चांसेस हैं कि पूरी हो सकती है, तो वो करने का मुझे बड़ा शौक था। और अगर मैं वंडर वूमन नहीं बन सकी, बट इन अ रियल लाइफ आई गेस आई एम अ वंडर वूमन, थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे पांच वो करेक्टर जो मुझे हमेशा से बचपन से लेके अब तक मुझे बड़े फैसिनेट करते हैं, जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ और कभी कभी देख भी लिया करती हूँ। शॉर्ट वीडियो थी, लेकिन आप लोगों से इंटरेक्ट भी तो करना था, अपने बारे में कुछ ना कुछ तो बताते रहना था और बताती रहूँगी। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, बी काइंड टू अदर्स प्लीज़।